पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन एक मंच पर आ गए हैं, जिसका नेतृत्व नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम संघ कर रहा है। रविवार को जिले के सभी विधायकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना सह पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। मूवमेंट के दिनेश पटेल, भारत डावर आदि ने बताया कि शिक्षा कर्मी, संविदा शाला शिक्षक गुरुजी के साथ सरकार द्वारा भद्दा मजाक कर रही है। सेवानिवृत्ति के बाद 500-600 रुपये की पेंशन बनेगी, जो महंगाई के इस दौर में ऊंट के मुँह में जीरे के समान रहेगा। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। NMOPS के बैनर तले 19 फरवरी को पूरे प्रदेश स्तर पर विधायकों का घेराव एवं ज्ञापन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हमारी प्रमुख मांग है हमारे शिक्षक साथियों के लिए प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और पुरानी पेंशन बहाली। पुरानी पेंशन बहाली के इस आंदोलन में पूरे प्रदेश भर के समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित हैं और सभी विभागों के कर्मचारियों की एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन को तुरंत लागू कर दिया जाए। विजय यादव, जिला संयोजक, NMOPS खरगोन। आज पूरे मध्य प्रदेश में 19 तारीख से 26 तारीख तक हमारा नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के आह्वान पर आज से हमारा 230 विधायकों को पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारे शिक्षक संवर्ग की प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का मुद्दा भी प्रमुख रहेगा। अगर इसके बाद भी अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो आगामी क्या बाजी रहेगी? आगामी हमारी रणनीति यह है कि सितंबर माह में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन है, और अगर इसके बाद भी सरकार अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो हम वोट फॉर OPS का नारा पूरे कर्मचारी लगाएंगे, और जो भी हमारी पेंशन की बात करेगा हम उसके साथ में खड़े होंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश पटेल, जिला प्रभारी, NMOPS खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।